अविनाश यादव आ जा यहाँ पे, आ जा। तेरे को सांप चाहिए ना, सांप लाइक बेवकूफी, क्योंकि उसके रोस्ट में कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं होती कि बिलो द बेल्ट जाए, गाली गलौच करे और फालतू की बात करे, कोई बात नहीं। और लेकिन जो दोस्तों कुछ दिन पहले अलवेश यादव दीपक लाल को अपने पॉडकास्ट में रोस्ट वगैरह कर दिए थे, तो चीज को लेकर दीपक लाल को गुस्सा आ गया और वो अलवेश यादव को मिलने के लिए बुला रहे हैं और अलवेश के लिए कुछ ऐसा कह रहे हैं, आप देखिए। सुन बे दसवीं फेल, अलवेश यादव आलिए सामने आ, मेरे सामने आके बात कर। ये देख तेरा भाई दिल्ली एयरपोर्ट में आया है, दिल्ली एयरपोर्ट में है तेरा भाई। 5 मिनट के अंदर तू इधर नहीं आया ना, मौ कसम। एरोसिटी से आओ, एरोसिटी में रहता हूँ मैं, एरोसिटी में। फिर सुन, पुल में रहता हूँ लेकिन रास्ते में खड़ा हूँ कल्ला कल्ला। अलवेश यादव आ जा यहाँ पे, आ जा। तेरे को सांप चाहिए ना, सांप मैं सांप देता हूँ तेरे को, आ जा। मेरा सांप देता हूँ तेरे को, टोपा लेने सांप का, आ जा इधर, आजा पुल बैन के बाहर, आजा दीपक कलाल खड़ा, आजा इधर, साढ़े निकल, आजा भी लेके आओ। अलवेश यादव, अलवेश यादव इधर आ, मुंह गांड दे, गांड दे आपकी गांड। अरे भाई ये अलवेश यादव के गांड में भाई दीपक कलाल, मर जा साढ़े। अरे भाई ये अलवेश यादव के भाई गांड में गोली डालते ना भाई। सुन बे अलवेश यादव, ये देख ये भाई का इलाका, देख ये देख टोरा, देख भाई का। और सुन, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है ना, यहाँ पे आइयो, यहाँ पे आके दिखाइयो, फिर तो पता चलेगा कि दीपक कलाल के चीज हो गए, साढ़े निकल यहाँ से। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों, हाल ही में राजवीर फिटनेस का पॉडकास्ट शूट हुआ था, जहां उन्होंने एमएमए फाइटर्स के लिए कह दिया था कि 4 लड़के आ जाओ, उनसे राजवीर अकेले लड़ लेंगे। पर यहां चीजें मैनिपुलेट की गई हैं और मीम्स पेज वालों ने आधी क्लिप को दिखाया तो राजवीर को कई डीएम्स आने लगे, तो ये चीज को लेकर नकुल ने भी उन्हें रोस्ट कर दिया। आप देखिए नकुल क्या कहे। पूरे वर्ल्ड में कितने भी बड़े पावर लिफ्टर हो, कितने बड़े एमएमए फाइटर हो, 4 लड़के निहत्ते आ जाओ और ये कह दो यहां खड़ा हूं राजवीर आजा, वो वापस फ्लाइट में चढ़ भी नहीं सकते। भाई 4 लड़के, कितने बड़े बॉडी बिल्डर, पावर लिफ्टर, एमएमए फाइटर, किक बॉक्सर, कोई भी हो, 4 लड़के और इधर नकुल डुल, फ्लाइट में चढ़ के दिखा दे भाई। अच्छा भाई ऐसे कैसे? अरे एयरपोर्ट सिक्योरिटी में काम करते हैं। भाई इसलिए मैं पॉडकास्ट वगैरह में नहीं जाता, मैं बोला इंडिया वालों को पॉडकास्ट करने नहीं आते, उधर मैं बैठा हूँ पॉडकास्ट पे, वो सामने वाला पॉडकास्ट मुझे रोकने की बजाय चढ़ा रहा होगा। अरे नकुल भाई, अरे नकुल भाई आप तो बात ही, तो फिर मैं भाई मुझे चढ़ाओगे तो मैं क्यों रुकूँगा, मैं भी हो जाऊँगा शुरू। भाई 20 लिया 30 लिया सबको मार दूंगा। एक बार तो मैं 100 लड़कों से अकेले भिड़ गया था, सबको जान से मार दिया भाई, घुमा घुमा के मारा, उड़ा दिया मैंने सबको पकड़ पकड़ के। मतलब सामने वाला बंदा सब चीज़ मान रहा है तो मैं भी शुरू हो ही जाऊँगा, ब्लेम भी नहीं कर सकते भाई गेस्ट को, ये पॉडकास्ट वाले ही आते रहते हैं सबको। यार थोड़ा रोकना टोकना स्टार्ट करो भाई, गेस्ट को पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे हमें कहाँ पे रुकना है। इंडिया में पॉडकास्ट आर थेरेपी सेशंस एंड पॉडकास्ट आर थेरेपिस्ट बेसिकली, तो उन्हें वैसे यूज़ करना चाहिए जो उनका काम है, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुम एक फनी कंटेंट क्रिएटर हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो चल रहा है आजकल, तो तुम उस पर जा सकते हो, प्रखर पर जा सकते हो, तुम वहाँ पर जाके तुम कुछ भी बोल दोगे, आज खिड़की खुली है, हवा आ रही है और प्रखर सही में प्रखर ऐसे कर देगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, इससे काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। तो इसी चीज पर राजवीर फिटनेस का भी रिप्लाई आया, जो है कि उन्हें बुरा नहीं लगा नकुल जब उन्हें रोस्ट किए था, क्योंकि उनके रोस्ट के राजवीर भी फैन है और नकुल कभी भी बिलो द बेल्ट जाकर रोस्ट नहीं करते। साथ ही उस क्लिप के बारे में राजवीर क्या कहे आप देखिए। तो भाई अभी मुझे बहुत सारे भाइयों की वो आ रही है, मुझे स्टोरी भेज रहे हैं मिट्ठू डॉन की, भाई मिट्ठू ने आपको रोस्ट किया है। तो भाई ऐसा है, मिट्ठू के रोस्ट के तो हम खुद फैन हैं और उसके रोस्ट का बुरा मानना इज़ लाइक बेवकूफ़ी, क्योंकि उसके रोस्ट में कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि बिलो द बेल्ट जाए, गाली गलौच करे और फालतू की बात करे, कोई बात नहीं। और लेकिन जो उसने रोस्ट किया है वो रोस्ट भी ठीक ही किया है, वो जिस लाइन पर किया उस लाइन को मैं खुद सुन रहा हूँ ना, तो मुझे भी इतना अजीब लग रहा है बोलते हुए। लेकिन हुआ क्या, चीज़ें मैनिपुलेट करके, वो पॉडकास्ट जो हुआ था हमारा, मैं लिंक डाल दूंगा अगले उसमें पॉडकास्ट का, वो पूरा पॉडकास्ट देख लेना, उसमें मैंने एक बात कही है कि
जो पावर लिफ्टर होते हैं, पहली चीज़ तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं सारे एथलीट्स की बहुत इज्जत करता हूं, चाहे पावर लिफ्टर हो, चाहे एमएमए फाइटर हो, चाहे बॉडी बिल्डर हो, चाहे रेसलर हो, ठीक है? क्योंकि हमारा खुद का बैकग्राउंड वही रहा है। तोड़ दे पैर मेरा, नहीं तोड़ दूंगा सर। ठीक है, नहीं तोड़ दूंगा, नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ूंगा। और इसकी एक फेवरेट लाइन है मिठू डॉन की, तेरी गला सेक्स करा रहा हूं। तो भाई जो मेरे पावर लिफ्टर भाई है, एमएमए फाइटर जो हमारे नाराज हो रहे हैं, पहले जाके पूरा पॉडकास्ट देखो, वो जितनी लाइन काट के सुन रहा हूँ तो मुझे भी खुद अजीब लग रहा सुनने में, गुस्सा आ रहा है। पहले वाले ने स्पर्म वाला किया था। हाँ बताओ यार, मैं उसमें जनरल बात कर रहा हूँ कि अभी हमारा झगड़ा हो गया था, चार लड़के नियत थे, मुंबई चले गए थे, वो हमने चुटा कि सामने से 20 लड़के आ जाए, 50 आ जाए, हथियार लेके आ जाए, तो हम चार लोग क्या करते? और वो तो अजाज ने हमें वापस आने दिया, कुछ हमारा हुआ नहीं, कोई हमारा कुछ कर नहीं पाया। और वो हमारा लक अच्छा था कि इतना बड़ा चुपस आ गए, पूरे वर्ल्ड में से चार लड़के कितने भी तकड़े हों हमारे यहाँ आ जाए ना, तो फ्लाइट में भी ना चढ़ पाए, ये मैंने बोला है। तो कोई पावर लिफ्टर या कोई एमएमए फाइटर अपने आप को ये समझ, तो कोई भी पावर लिफ्टर या कोई भी बॉडी बिल्डर या कोई भी पहलवान या कोई भी एमएमए फाइटर, मुझे नहीं लगता कोई हथियारों के सामने, तलवारों के सामने, ये मैंने बात की है कि टिक पाएगा, कि मतलब अगर हम वहाँ गए हैं कहीं चार लड़के नियत थे और सामने से 20-40-50 लोग आ जाते, हम निहत्ते हैं, हम कितने भी तगड़े हैं, किसी के हाथ में हथियार है, पिस्टल है, कट्टा है, चाकू छुरी है, तलवार है, डंडे हैं, तो हम क्या कर लेते? वही चीज़ मैंने बोली है कि भाई कितना भी तगड़ा हो, पूरे वर्ल्ड में से चार लोग हमारे यहाँ आ जाएं और इधर से हम 40 हो, 50 हो, 100 हो, सबके पास हथियार हो, डंडे हो, चाकू छुरी हो, तो भाई कैसे वापस चला जाएगा? मैंने ये चीज़ बोली बहुत नॉर्मल वे में, लेकिन सिर्फ इतनी काट दी कि पूरे वर्ल्ड में से चार लड़के आ जाओ, कोई भी पावर लिफ्टर हो, कोई भी एमएमए फाइटर हो, तो वो ऐसे एरोगेंट लग रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझसे लड़ लो, मैं चार लड़कों से लड़ लूँगा। तो भाई ठीक है, तो ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सी के बिल्कुल भी मूड, तो भाई किसी भी तरह की ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सी के ना तो मूड में हूँ ना ही करूँगा। किसी को रोस्ट बनाना रोस्ट बना लो, किसी को वीडियोज़ बनाने वीडियोज़ बना लो, जो मैंने बोला है वो मैंने क्लियर कर दिया। आप जाके ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट करके यह चोट लगी हुई है, देखिए क्या मतलब ये, वो चैनल है, उस पर जाके पूरा पॉडकास्ट देख लेना। मैंने बहुत नॉर्मल बात बोली है कि चार लड़के कितने भी तकड़े हों, किसी दूसरे स्टेट में जाके 30-40-50 लोगों के सामने हाथों में वो नहीं टिक सकते, ये छू, ठीक है? ये मैंने बोला है, समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो कोई बात ना, ठीक है? मिट्टू सारे आई लव यू। है वीडियो बनाने कोई फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा। जिसको दिक्कत हो और डीएम कर लेना या मेरे किसी से फोन नंबर लेकर फ़ोन कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सी मन नहीं है बिल्कुल भी, और थक चुका हूँ, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि तुम जैसे ही भाई फिर कहते हैं ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सी करके फॉलोवर बढ़ा लिए इसलिए करते हैं कॉन्ट्रोवर्सी, ना बिल्कुल भी नहीं। तो जिसको बात समझ में आ गई हो, ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, ना ही हो तो बनाते रहो वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।